आज बड़ी धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा के साथ नम आंखों से माँ दुर्गा को दी गई बधाई। कटिहार जिले के फलका बाजार स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर प्रांगण में जय श्री राम के नामों से गूंजता रहा फलका बाजार। कई तरह के झांकिया व घोड़े के साथ भगवा रंग में रंगे सभी श्रद्धालु व फलका बाजार वासी डीजे की धुन पर हाथों में तलवार भासते नाचते गाते प्रतिभा विसर्जन में शामिल थे। इस शोभा यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी भगवा रंग में रंगे गुलाल के साथ साथ तराबोर थे। मां की अंतिम दर्शन को लेकर सभी महिलाओं घरों से बतासे फूल पान दुबरी लेकर मां के चरण स्पर्श कर अपनी अपनी मन्नतें मांगी। वहीं इस शोभा यात्रा में नव युवा संघ कमेटी द्वारा खिचड़ी प्रसाद भी वितरण किया जा रहा था। इस शोभा यात्रा विसर्जन को ठाकुरबाड़ी मंदिर से 5 बार परिक्रमा के बाद फलका बाजार से गोपाल पट्टी बेचूटोला मोड़ से फलका बाजार होते हुए पकरिया दुर्गा मंदिर से लाली सिंगिया तालाब में विसर्जित की गई। वहीं इस शोभा यात्रा में फलका प्रशासन द्वारा काफी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई थी। BDO मधु कुमारी, CO दिवाकर कुमार, थाना प्रभारी उमेश पासवान दलबल के साथ चप्पे चप्पे पर हुई थी नजर। जो है हमारे फलका ठाकुरबाड़ी 106 वर्ष पुरानी है और यहाँ पे पूर्वजों की परंपरा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यही हुआ कि यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया गया। पिछले 2 साल से कोरोना लॉकडाउन के कारण जो कि मंदिर कमेटी को सिर्फ पूजा करने की इजाज़त दी गई थी, श्रद्धालु नहीं दी गई थी, इस बार भारी से भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुँचे और शोभा यात्रा जो आज है तो लगभग 10,000 की से तो ज़्यादा ही होगी इसकी तादाद। यहाँ पे फलका ठाकुरबाड़ी सभी श्रद्धालु का हार्दिक अभिनंदन करती है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी यहाँ पे? फलका थाना अध्यक्ष उमेश पासवान जी के द्वारा बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था थी। जगह जगह पुलिस की व्यवस्था तैनाती की गई थी और जिसमें कि सफल आयोजन करवाए और जाकर के बहुत अच्छी अपने परिचय दिए। अपना परिचय दें। मैं चंदन कुमार, ठाकुरबाड़ी पूजा समिति का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और कटिहार से संवाददाता चंदन कुमार चौधरी की रिपोर्ट है।